कुल्लू से बता रहे हैं, जहां ऑनलाइन ठगी का मामला सामने आया है। ये बड़ी खबर कुल्लू से, जहां पर 85 लाख की ऑनलाइन ठगी की गई है ग्राहकों के साथ। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। ठगी के मामले में हालांकि आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, इस मामले में कार्रवाई की और आरोपी को अरेस्ट कर लिया है। कुल्लू पुलिस ने अहमदाबाद से आरोपी की गिरफ्तारी की है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ऑनलाइन ठगी का ये मामला जिसमें पुलिस ने आरोपी को अहमदाबाद से गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि 85 लाख की ये ऑनलाइन ठगी की गई थी आरोपी के द्वारा। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कुल्लू की ये तस्वीरें, जहां पर आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इस मामले में संज्ञान लेते हुए कुल्लू पुलिस ने कार्रवाई की और अहमदाबाद से आरोपी को अरेस्ट किया है। दरअसल आपको बता दें कि आरोपी के बैंक अकाउंट को फ्रीज भी कर दिया है पुलिस ने। इस कार्रवाई को करते हुए 85 लाख की ऑनलाइन ठगी की गई ग्राहकों के से आरोपी ने की, जिसके बाद ग्राहकों ने शिकायत दर्ज कराई थी और पुलिस ने मामले में संज्ञान लिया और अहमदाबाद से आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। ये बड़ी कामयाबी कुल्लू पुलिस को मिली है। लगातार ऑनलाइन ठगी के मामले सामने आते रहते हैं और इसी कड़ी में पुलिस को कामयाबी मिली है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए कुल्लू से हमारे संवाददाता मनीष ठाकुर ऑनलाइन पर जुड़ चुके हैं। मनीष, ऑनलाइन ठगी का ये मामला आखिर किस तरह पुलिस ने आरोपी की गिरफ्तारी की? नीतू, ये जो ऑनलाइन ठगी का मामला है, कुछ दिनों पहले का था, जब एक व्यक्ति ने ऑनलाइन ठगी के शिकार के चक्कर में अपने 85 लाख रुपए जो है व्यक्ति के खाते में जमा करवा दिए थे। उसके बाद जो पुलिस लगातार अब कार्रवाई कर रही थी और गुजरात से जो वो आरोपी है उसे वहां से पकड़ा गया है। जी, ऑनलाइन का मामला ये सामने आया और शिकायतकर्ता की शिकायत के आधार पर पुलिस ने कार्रवाई की है। ये ऑनलाइन किस टाइप की ऑनलाइन शॉपिंग, किस कंपनी थी, क्या कुछ था, इसके बारे में बताइए। नीतू, देखिए, ये जो मामला है, ये जो ऑनलाइन जो दोस्ती है उसका मामला था। जो व्यक्ति ने फेसबुक के माध्यम से दोस्ती की, उसके बाद में जो ज्यादा बातचीत हुई और कुछ सामान खरीदने के नाम पर जो पैसे है वो ट्रांसफर करवाए गए थे। उसके बाद जो व्यक्ति लगातार उसे पैसे एंट रहा था, उसके बाद जो व्यक्ति को पता चला कि ये जो सामान है वो नहीं आएगा और वो ऑनलाइन ठगी जो है, उसके बाद उस जो पीड़ित है उसने रिपोर्ट दर्ज कराया और पुलिस ने जो मामला दर्ज करने के बाद अपनी जो टीम गठित की और जो आरोपी को वो गुजरात से पकड़ लिया। जी, शिकायतकर्ता को जब ये पता चला कि उसके साथ ठगी हुई है तो क्या उसने आरोपी से अपने पैसे मांगे? देखिए, जब उसे मालूम चला कि उसका ऑनलाइन ठगी हो रही है, उसके बाद से जो व्यक्ति है उसने अपना अकाउंट बंद कर दिया और वहां से वो गायब हो गया। जी, यानी कि कुल्लू पुलिस की ये बड़ी कामयाबी। बहुत बहुत शुक्रिया। आपको बता दें कि इस पूरे मामले में पुलिस ने कार्रवाई की है। ऑनलाइन ठगी का ये मामला सामने आया है जिसमें अहमदाबाद से पुलिस ने आरोपी की गिरफ्तारी कर ली है। ये खबर आपको बता रहे हैं, ठगी के मामले में पुलिस ने आरोपी की गिरफ्तारी अहमदाबाद से की है। शिकायतकर्ता की शिकायत के आधार पर यह कामयाबी पुलिस को मिली है। तो वहीं इस मामले में कुल्लू के एसपी का क्या कुछ कहना है वो भी आपको सुनाते हैं। एक केस जो है भुंतर पुलिस स्टेशन में रजिस्टर हुआ था 420 आईपीसी में, जिसमें एक व्यक्ति के 85 लाख रुपए की ऑनलाइन ठगी का मामला सामने आया था। तो इस केस को इन्वेस्टिगेट, हमारा जो स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट है इंस्पेक्टर सुनील की अगुवाई में ये इन्वेस्टिगेशन चल रही थी। तो जो कंप्लेनेंट है उसके सेलफोन रिकॉर्ड्स और बाकी सब जो अकाउंट्स वगैरह की डिटेल पे पुलिस काम कर रही थी, जिसपे सभी एविडेंसेस को एनालाइज किया गया और एक टीम को मुंबई इस केस के सिलसिले में रवाना किया गया था करीब 15 दिन पहले। वहाँ पे पुलिस ने अपना एजेंडा सेट किया और इस पूरे मामले की छानबीन करते हुए एक व्यक्ति तक पहुँचे, जिसको फाइनली गुजरात से आज अरेस्ट करके कुल्लू लाया गया है। और इस व्यक्ति के अकाउंट में जो विक्टिम है उसने 25 लाख रुपए जमा किए थे, जिसकी बारे में भी पुलिस छानबीन कर रही है और इस व्यक्ति के अकाउंट अभी फ्रीज किए गए हैं फिलहाल। बाकी जो अन्य इस गैंग के शामिल लोग हैं उनके बारे में पुलिस जानकारी जुटा रही है।